टाइम की हम लोगों को सबको बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिल रहा है एक फिल्म कसाई के लिए, जिसमें इट्स अ विलेज स्टोरी और ये रिचा हैं, ये मयूर हैं, दोनों बहुत कमाल के एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, और दे प्ले माय सन एंड डॉटर इन लॉ, एंड वी थ्री आर द मेजर प्लेयर्स इन द फिल्म। सो उस सबके लिए हम तीनों को ही अवार्ड मिल रहा है एक्टिंग के लिए, और फिल्म को भी कुछ बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इस फिल्म इस फेस्टिवल में। तो ज़्यादातर अवार्ड हमारी फिल्म और हम लोग ले जा रहे हैं घर। तो यही कहना है मुझे जी। मैम, शॉर्ट फिल्म्स का जगह तो शॉर्ट्स आ गए हैं, उसका क्या कहना है आपका? काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है शॉर्ट फिल्म्स को, तो उसमें क्या बुरा है? अच्छा है, शॉर्ट से शॉर्ट भी होती जा रही है। हमारे कुछ 9 सेकंड की फिल्म होती है, कुछ 9 मिनट की, कुछ 9 घंटों की भी हो रही है। अच्छा, डिफिकल्ट होता है देखा जाए तो दर्शाना स्क्रीन पे, कम समय में स्टोरी दिखाना। वो आप उनसे पीछे जिन्होंने शॉर्ट फिल्में बनाई है। मैंने एक फिल्म में एक्ट किया था रोज़ बेड, जो विस्लिंग वुड्स के एक स्टूडेंट ने बनाई थी, वो यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगी, रोज़ बेड। तो वो 11-12 मिनट की फिल्म है, बहुत सुंदर है। उसमें आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं और कैसे दिखाएँगे उसे, तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप विस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट हैं या किसी भी, तो आपका बजट लिमिटेड होता है, तो उसमें आपको सब चीज़ें देखते हुए, तो आपको क्राफ्ट और आर्ट का बहुत मंझा हुआ कलाकार होना चाहिए। उसमें आपको 100 साल तक शूट करने की इजाज़त ना तो होती है, और ना आपके पास, ना आपको कोई फंड करेगा। तो शॉर्ट फिल्म के लिए यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड स्वीट एंड शॉर्ट। नमस्कार, मैं मयूर मोरे हूँ। मैं इस फिल्म में सूरज नाम का कैरेक्टर है, जो उनका बेटा है, और ये हमारी गर्लफ्रेंड है, इनका नाम रिचा मीना है, मतलब फिल्म में गर्लफ्रेंड है, और फिल्म में कुछ और नाम है ना, फिल्म में इनका नाम है क्या? मिश्री। मिश्री नाम है। लो, नाम भूल गए। मिश्री। मेरा नाम रिचा मीना है, और इस फिल्म कसाई में मैं मिश्री का कलाकार मिश्री अदा कर रही हूँ। हाँ, और बस आप लोग देखिए फिल्म और बताइए आपको कैसी लगी। हाँ, इस फिल्म को दूसरे फेस्टिवल में भी अवार्ड मिले हैं, कुछ एक था ना अभी, हाँ जी, जागरण में थी, जागरण फिल्म फेस्टिवल में थी, अभी एक ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल था, और एक लोनावला फिल्म फेस्टिवल है, सो देयर आल्सो वी हैव अ स्क्रीनिंग नेक्स्ट मंथ। सो आई थिंक इट जस्ट स्टार्टेड इट्स जर्नी, वी स्टार्टेड फ्रॉम जयपुर फिल्म फेस्टिवल, सो आई थिंक वी आर कवरिंग ऑल द गुड फेस्टिवल्स इन इंडिया एट लीस्ट, एंड वी आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ लव। The women especially, they are liking our movie a lot because it's about this mother's journey who's trying to save her son from not just the relatives but the whole political environment. So it's a very, very, very nice film emotionally. So please go and watch, and I'm sure you guys will love it, and you'll give lots of love to us and to our film. Thank you. Excuse me. Is it possible? Ma'am. और क्या कहना चाहेंगे जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ मूनवाइट फिल्म्स, एंड आई वांट टू थैंक देव आशीष फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल फेस्टिवल। और ये बहुत ही प्यारी फिल्म है जो हमने बनाई है, लव हिस्ट्री, और इसके लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज द फिल्म इज़ वेरी नाइस एंड इट हैज़ अ मैसेज। और अभी रिसेंटली मेरे करियर में, जब से मैंने टीवी छोड़ा है, मैं आई हैव बीन डूइंग मैसेज यू नो फिल्ड कंटेंट, लाइक आई डिड अ रोल इन रिश्ते अबाउट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एंड आई हैव डन जस्ट नाउ पेनफुल प्राइड विच इज़ अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड सिमिलरली लव हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अबाउट यू नो रेसिज्म। तो मेरे सोशल नेटवर्क पे भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, वेक अप इंडिया, वेक अप, लव यू ऑल। ओके सर, इसके साथ में कांग्रेचुलेशन फॉर योर अवार्ड। थैंक यू वेरी मच। एंड सर, इसके साथ मैं जानना चाहूंगा कि किस आजकल जिस तरीके से मैसेज दिया जाता है शॉर्ट फिल्म्स को, जितना कि पहले इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, नहीं मिलता था, क्या कहना चाहेंगे सर आज के समय में, कितना? यही तो फायदा है, इसी की वजह से जो मैंने अभी जिक्र किया, 2 साल पहले, 25 साल के बाद मैंने टीवी छोड़ दिया, 25 साल से मैं टीवी कर रहा था,
मैंने इसीलिए छोड़ा है बिकॉज वी हैव वेब प्लेटफॉर्म, वी हैव शॉर्ट फिल्म्स एंड नाउ आई एम डूइंग फीचर फिल्म्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा की मेहरबानी. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस यू नो स्पेस फॉर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड फॉर द ऑडियंस. और ये ऑडियंस की मतलब मेहरबानी है सच में. आप लोग इतने प्यारे हो कि आप इतने सालों से मेरे जैसे एक्टर्स को टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे थे, अब आप वेब सीरीज में एक्सेप्ट कर रहे हो. आप बहुत ही बढ़िया हो, यू आर द बेस्ट. देखिए अवार्ड तो अवार्ड होता है, मेरे लिए तो अवार्ड का मायने यही है कि ठीक है मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ शिद्दत से कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैं अपना काम निभा रहा हूँ, ये जो है मुझे वो बताता है कि हाँ ऋतुराज के सिंह तू सही जा रहा है भाई, तू सही जा रहा है. ओके बहुत अच्छी बात है. सबसे बड़ी बात है कि शॉर्ट फिल्म को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये इससे अच्छी बात और क्या होगी. इससे अच्छा मीडिया इस वक्त नहीं है. वेब सीरीज से भी बेहतर है किसी भी फिल्म मेकर के लिए. पूरा बहुत बड़ा स्पैन है, स्टोरी लाइन का अनलिमिटेड स्कोप है, आप कुछ भी बना सकते हैं. बहुत लोगों ने कह दिया, टाटा का शॉर्ट फिल्म रेगुलर देखने वाला हूँ मैं शॉर्ट फिल्म देखता रहता हूँ, बहुत सब्जेक्ट्स मिलते हैं उसमें. इतनी कहानियाँ हैं हमारे पास कि शॉर्ट फिल्म किसी भी वेब सीरीज और फीचर फिल्म से ज़्यादा बन सकती है, और इतने टैलेंट हैं जिनको अपना काम दिखाने का मौका मिलेगा. इससे अच्छा और क्या हो सकता है. हम चार चार फिल्म कर रहे हैं, करता तू धरता तू एक बहुत पहले कर चुका महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, दूसरी फिल्म हमने की ओल्ड किड जो अभी रिलीज होनी बाकी है, एक इनका द पेंटेड किया जो यहाँ फेस्टिवल में है आशीष और मैं, और एक फिल्म कर रहा हूँ. इस तरह से शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज के अलावे शॉर्ट फिल्म भी कर रहा हूँ. और ये जो कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में दूसरा साल है इनका, जो जैसा उन्होंने कहा मैं तो इनके यहाँ पहली बार आया हूँ. डॉक्यूमेंट्री वगैरह बहुत किया है मैंने, बहुत ज़माने से करता रहा हूँ, 50 साल हो गए थिएटर के, 40 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, फीचर फिल्म तो बहुत सी की है, लेकिन अब शॉर्ट फिल्म का ज़माना है, मैं कर रहा हूँ. और ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. मामी फेस्टिवल के अलावा जो ये फेस्टिवल है इक्वली इट इज़ वेरी गुड बिकॉज इनमें सब इंटरनेशनल लेवल पे, ये आपको भी बनाने में इंटरनेशनल लेवल पे सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ भी बना करके छोड़ दें, मेकिंग में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी. आई विश ऑल द बेस्ट. या रेडी बॉस हेलो का यस डन यहाँ पे जैसे कुछ ट्रेलर लॉन्च था ना उस दिन, तो क्या था नाम उसका, तो मानी आज मैं यहाँ पर हूँ MWFIFF के लिए और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. और जैसे कि ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, आई थिंक ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है जो देवाशीष जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज जितनी अच्छी मूवीज़ यू नो जो नहीं, जिनकी मूवीज़ शोकेस अच्छे से हो पाती हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल पाता, उन्हें ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी फिल्म्स यहाँ पर यू नो लोगों तक पहुँचाएँ, उनकी स्टोरीज़ जो डायरेक्टर्स हैं हमारे प्रोड्यूसर्स है उन्हें एक बहुत अच्छा इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड या सो मेकर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. तो मैं आई हूँ यहाँ पर और डेफिनेटली आई विल हैव अ ग्रेट टाइम सबके साथ मिलूंगी. ओके जसरीन, आपकी अगर बात करिए तो आने वाले टाइम में आप भी कोई
वेब सीरीज में नहीं, आप मुझे नहीं नहीं आप मुझे एक हिंदी मूवी में देखेंगे अभी जो 2020 में रिलीज होगी. वी आर वर्किंग ऑन इट और नेक्स्ट मंथ हमारी वन स्केड्यूल में हम पूरी शूट ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरी भी डेट्स अवेलेबल नहीं है. मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ अभी. 25 दिसंबर भी आ रहा है, क्रिसमस के शोज़ हैं, न्यू ईयर का शो होगा एंड बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैवल चल रहा है. अनूप जी का भी ट्रैवल बहुत ज़्यादा है तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि डेट्स हमारी यू नो आपस में मिल जाए और फिर वो शूट हम ख़त्म करें. तो दिसंबर में हम वन स्केड्यूल में फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं बिग बॉस को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं परसों लखनऊ जा रही हूँ और मेरे बैक टू बैक इवेंट्स चल रहे हैं, मेरे खुद के जो सिंगिंग शोज़ होते हैं मैं उसी में इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रही हूँ. बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मेरे कंटेस्टेंट्स फेवरेट हैं. एक तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लग रहे हैं, आरती सिंह बहुत अच्छी लग रही हैं, रश्मि इज़ डूइंग गुड. तो ये मेरे कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं. बाकी बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली हैं कि जिस तरह से यू नो बहुत सारे फ़ैन पेजेस जो मेरे नाम के बने हुए हैं वो कुछ ना कुछ मेरी बिहाफ पे पोस्ट करते रहते हैं तो लोग उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अजीम के बारे में मेरे किसी ट्विटर फ़ैन पेज ने कुछ कमेंट कर दिया था और अजीम के जितने फ़ैन्स हैं वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हुए थे. तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मैंने ऐसा कोई कॉमेंट किसी के बारे में नहीं कहा है. रिसेंटली देबोलीना के बारे में भी किसी ने कुछ कहा और शिफाली के बारे में कुछ कहा कि मैं कह रही हूँ कि वो कोई पता नहीं कुछ वर्ड्स उन्होंने कहे. तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जो वेरीफाइड प्रोफाइल है अगर उससे कोई अगर मेरी तरफ से कोई कमेंट आता है तो उसे सीरियसली लीजिए. बाकी फ़ैन पेजेस से लोग कुछ भी लिख रहे हैं किसी के बारे में कि जसलीन ने ये कोट किया है तो प्लीज़ उसको ना माने क्योंकि मैंने बिग बॉस ऑनेस्टली देखा ही नहीं है और मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ. सो जब भी कुछ ऐसा होगा मैं खुद सामने से कहूँगी कंटेस्टेंट्स मेरे जो भी फेवरेट हैं उनके बारे में. आई डोंट नो, अभी अगर मेकर्स ने मुझे बुलाया तो डेफिनेटली जाऊंगी. फिलहाल तो ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं और फिलहाल ऐसी कोई बात हो नहीं रही है पर उन्होंने बुलाया तो ज़रूर जाऊंगी. इट्स अ कॉमेडी मूवी जो मैं कर रही हूँ. वो मेरी स्टूडेंट है. देखिए कितनी सारी बातें हो गई मेरे और अनूप जी के बारे में. जहाँ भी जा रही हूँ अनूप जी के बारे में पूछा जाता है मुझसे. जब मैं स्टेज पे होती हूँ तभी मुझसे पूछा जाता है कि अनूप जी कहाँ पर हैं और अनूप जी से पूछते हैं भाभी जी कहाँ पर है. तो बहुत बातें हो गई मेरी और उनके बारे में. तो हमने डिसाइड किया, हमारे बड़े खर्चे हो गए इस चक्कर में, हम मूवी के थ्रू बताना चाहते हैं लोगों को कि एग्जैक्टली हमारा रिलेशनशिप क्या है. और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक नहीं होगा, एक बहुत ही फन तरीके में, मजाक में, कॉमेडी वे में हम ये यू नो दिखाएंगे, लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे कि एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है. और मूवी का टाइटल है वो मेरी स्टूडेंट है. काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बिग बॉस में जी, तो वो पोर्शन भी दिखाया गया क्योंकि आपने कहा कि जो हुआ है हमारे बीच वो दर्शाया गया है. तो जो लास्ट ईयर जो कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस वो पोर्शन को भी दिखाया जाएगा. अब क्या दिखाया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ एक रिलेशनशिप क्या है वो लोगों तक बिल्कुल पहुंचाने की कोशिश है. और ये मेरी आखिरी उम्मीद है कि मैं किस तरह से लोगों को ये बता सकूं कि एग्जैक्टली ये क्या रिश्ता है हमारा, है ना. तो क्योंकि इतनी बातें हो गई और हर कोई ये बातें पूछ रहा है तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो या ये कहानी होगी बेस, मतलब स्टोरी लाइन ये है. और कैसे अब वो स्क्रीन प्ले कैसा है, मेरे पापा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं ने लिखी है स्क्रीन प्ले. तो अब स्क्रीन प्ले क्या है वो आपको देखने मिलेगा थिएटर्स में 2020 में. काफ़ी कुछ कहा था उस दौरान, तो क्या उनका भी कुछ फिल्म में दिखेगा हमें या नहीं? राखी सावंत का जी हाँ. नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 ऐसे ये इस तरह ऐसे कोई ऐसी मूवी नहीं है कि मतलब सारी बिग बॉस हो रहा है उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हम बिग बॉस में जा रहे हैं, हम राखी सावंत ने कुछ कहा, ऐसी नहीं है. ये एक प्रॉपर हिंदी मूवी है जिसमें एक कहानी बनाई गई है. तो ये किरदार नहीं होंगे उसमें और राखी जी नहीं होंगी इस मूवी में. तो ठीक है, जो भी उन्होंने कहा उससे कोई मुझे कोई लगता नहीं कुछ. मुझे बहुत फ़नी लगा जिस तरह से उन्होंने कहा एंड मैं उनको जानती भी हूँ एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन. तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा उनकी बातों का. ठीक है, मजाक मस्ती चलती रहती है, वो मजाक कर रही थी तो फिर हमने भी उसको मजाक में ही ले लिया. थैंक यू. कितना बड़ा मीडियम मानती है शोकेस करने का अपने डायरेक्टर्स को या एक्टर्स को?
आई थिंक ये बहुत ही परफेक्ट मीडियम है बिकॉज शॉर्ट फिल्में आजकल इतनी अच्छी बन रही हैं और अगर उसको इस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है सो आई थिंक फॉर द डायरेक्टर्स फॉर द एक्टर्स फॉर द एंटायर क्रू फॉर एवरीबडी इट्स अ बिग डील कि इतनी अवेयरनेस फैलती है ड्यू टू दी थ्रू दीज मीडियम्स यू नो सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दिस फिल्म फेस्टिवल इज प्रमोटिंग सच ब्यूटीफुल कॉन्टेंट और वो लोगों तक पहुँच रहा है दैट्स ऑल अ फिल्म मेकर एंड ऑल द एक्टर्स वो तो वो चाहते हैं कि उनका काम लोगों तक पहुँचे सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन के जितने भी हमारे फेमस और बड़े एक्टर्स हैं वो भी शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं बिकॉज शॉर्ट फिल्म्स आर फिल्म्स इन द एंड यू नो और उनका जो मैसेज है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट जैसे जो हमारी जो फिल्म है अब मुझे उड़ना है जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं इट्स गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड उस मैसेज को लोगों ने रिकग्नाइज़ किया है रियलाइज़ किया है समझा है एंड इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर सोसाइटी कि हम ऐसे फिल्म्स बनाएं और ऐसी फिल्म्स शोकेस हो ताकि आप उसको देख सकें जी बस मैं यही कहना चाहूँगा अनूप जी उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और इतने लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है ये मुझे मैं सोच भी नहीं सकता था ये हमारा सेकेंड ईयर है एंड सर इतने हमें सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं सो और हम ये हर साल करते रहेंगे वेल एज ऑफ नाउ टुडे आई थिंक उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि टुडे जैसे आपको मैंने कहा है हमारी जो फिल्म है अब मुझे उड़ना है विच इज़ बीन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय सुजय मुखर्जी हैज़ ऑलरेडी वन आई थिंक ओवर 38 अवार्ड्स इन दिस कैटेगरी इटसेल्फ इन दिस फिल्म फेस्टिवल इटसेल्फ तो आप देख सकते हैं कि व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिल्म कि कितनी रीच हो रही है इस फिल्म की बिकॉज इस फिल्म का जो मैसेज है कि यू कैन नॉट जस्ट लाई डाउन अगर आपके लाइफ में कुछ एक बुरा इंसिडेंट होता है हाउ डू यू कम अप फ्रॉम इट एंड जो लोग आपकी फैमिली में रहते हैं उन पर क्या बीतती है एंड देन हाउ दे कम आउट ऑफ इट इस फिल्म में वो मैसेज है एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म जैसे आपको मैंने कहा देर इज नो बिग और स्मॉल फिल्म देर इज ओनली अ फिल्म एंड दिस फिल्म हैज़ बीन अ वेरी प्राउड अचीवमेंट इन माई लाइफ एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर बिल बिल्कुल मैं कर रही हूँ काम और आगे भी करती रहूँगी बट टुडे टुडे इज समथिंग एल्स टुडे इज शॉर्ट फिल्म सो वी ओनली टॉकिंग अबाउट शॉर्ट फिल्म थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू